Battle notes. Properties of life. The pi of f r into g r is equal to product in f. Pi of we can take. That is pi f r into pi g r. Pi f r into pi g r. And you can verify also. All r was from 1 to 3 1. Verify f r g 1 into f 2 g 2 into f 3 g 3. और ये कह रहा है f1 f2 f3 इनटू g1 g3 होता है बट वी कैन नॉट ब्रेक पाई इन सम फॉर्म लाइक fr plus gr इट इज नॉट इक्वल टू पाई fr plus पाई ऑफ gr ये इसके बराबर नहीं है पाई को सम में ब्रेक नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल अगर मैंने r को 1 से 2 लिखा तो ये लिखा है f1 plus g1 into f2 plus g2 तो चार टर्म आई है बट इफ यू विल सी हियर इधर क्या आएगा f1 f2 plus g1 g2 गलत है Thank you.
मैंने कहेंगे मतलब एक सीरीज जिसमें कॉन्जुगेटिव दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में दिस डिफरेंस कांस्टेंट लिखो ऐसे लिखो सीरीज इन विच द सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स difference of any two consecutive terms bracket mein likha direction ye bataunga iska meaning direction bracket the series in which difference of any two consecutive terms bracket mein direction is constant is called an AD. कोई भी दो consecutive terms के बीच में difference constant आया तो that series will be an AD. The constant difference is called the common difference of AD. Constant difference of an AB is called common difference of an AB. तो हम ऐसे देखेंगे common difference में चलो next point में देखो the general AB can be taken as here given by a general AB is given by A, comma, A plus B, comma, A plus 2B, and so on. This is the AB with the common difference B. मतलब कोई भी दो टर्म है यहाँ पे B R और ये इसके पहले का है B R minus B this will be constant that is B B R minus B R minus one will be constant. तो direction लिखने का मतलब क्या है मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 है तो इस 2, 4, 6, 8 ना और 8 है 8, 6, 4, 2 बहुत आर 8 बट दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग है ठीक है तो कॉमन डिफरेंस डिफाइन कैसे करते हैं आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला ऑल्दो पीछे वाला माइनस आगे वाला भी कांस्टेंट रहेगा मतलब 6 माइनस 4 कांस्टेंट है ऑफ कोर्स 4 माइनस 6 भी कांस्टेंट होगा बट उसको फिर कॉमन डिफरेंस ही बोलेंगे 4 माइनस 6 को तो माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस बोलेंगे इसलिए वो डायरेक्शनल वर्ड यूज किया डेफिनेशन नेक्स्ट लिखो तो बट जनरल एक की बात कर रहे हैं तो इस ये मेरा फर्स्ट टर्म है टी1 ये मेरा सेकंड टर्म ये मेरा थर्ड टर्म है अब देखना है अगर जैसे फर्स्ट टर्म में a प्लस जीरो डी है सेकंड टर्म में a प्लस वन डी एक कम अगर मान लो मैं टी एन लिखना है हम ये तो है प्लस इधर एक कम इससे एक कम तो दिस इज जनरल nth टर्म ऑफ एन ए nth टर्म ऑफ एन ए वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस Here is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. For the AB, four a fast concept का बच्चा वो matter करता है, you can do two, उसको 11th term निकालने, D 11 for the RO series, D 11, fast, minor calculation, 43, 34, A plus N minus 1 into D ना, A is 4, plus n minus 1 is 10 into d is 6 34 अब तो कैलकुलेटर माइंड होना चाहिए a plus n minus 1 into d a is 4 n is 11 and d is 3
y por la iglesia. 19th term nikalo acha finally without pen and paper try karo ek baar without sab ko chhod do mind mein calculation dekhte kiska mathematical calculation pass hai main ap likh raha hu directly pehle maine bol diya ki 19th term nikalna hai theek na chalana nahi pen next one minus 8 minus 14 minus 20 and so on 19th term खुद भी हाँ मतलब जो मन में हाँ उसे बोल दिया तो हाँ एक भी डाउट नहीं
मैंने सिंगल करेक्ट भी बोला अभी फॉर टाइम भी मैंने चारों डिग्री सिंगल करेक्ट उसके बाद लिखो नेक्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए आता है किसी को मेरा फॉर्मूला तो सबको पता हो टाइम एन क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए एस एन इक्वल टू कैसे आया दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आउटपुट सीरीज को उल्टा करके ऐड करना है ठीक है जैसे मैंने सब अपना अपना जनरल सीरीज ले लिया ए ए प्लस डी सबको सोचो जैसे अपन ए पी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो डी मतलब तो टर्म डी डी बढ़ता जा रहा है और उल्टा जाएंगे तो डी घटेगा अब जैसे मैंने बोला फर्स्ट टर्म मान लो 5 है लास्ट टर्म 100 है पहला टर्म 5 है लास्ट टर्म 100 है तो सेकंड टर्म क्या होगी मान लो कॉमन डिफरेंस 5 का है तो सेकंड टर्म 10 होगी और वो 95 होगी तो दोनों का सम तो कांस्टेंट आ रहा है ना मतलब 5 और 100 का और 10 और 95 क्योंकि आगे की तरफ बढ़ेंगे तो टर्म बढ़ेगी पीछे बढ़ करेंगे तो घटेगी तो टर्म्स का एडिशन इज कांस्टेंट तो क्या कर रहा है अपन दैट इज सी फार्मूला ऑल्सो कि ए प्लस सी ए प्लस टू डी आखिरी की तीन टर्म लेता हूँ ए प्लस एन माइनस थ्री डी टू डी ए प्लस एन माइनस टू डी टू डी एंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन थ्री ठीक है ना अब इसी सीरीज को उल्टा करके ऐड कर देते हैं अगेन एस इज इक्वल टू इसके नीचे मैं लास्ट वाला टर्म देता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसके नीचे अगेन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसके नीचे अगेन length of perpendicular from foci. So tangent diya na usne
फोकल भी दे देते हैं, तो हम फोकल से उस टेंडेंट पे प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इक्वल टू बीच को डायरेक्टली लिया। और इसके अलावा तीसरा मेथड वो पर डिस्कस करेंगे। तुमने इसके अलावा क्या पूछा हो? फिर वो बीच कर वाला बोल रहे एक और मेथड, और उसके बाद बता गया पहले किया था बोल। तो उसमें मिसप्रिंटिंग है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा आंसर मैच कर गया। एक्स वर्ग मुझे क्या लिखा है? फोर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि जब भी उसने देखा ना बी इज लेस देन फोर, तभी उसका सिग्निफिकेंस हुआ ना, जब एक्स वर्ग के नीचे फोर लिखा है और अगर मैं वो तो बी इज लेस देन फोर, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है? अगर एक्स वर्ग के नीचे 16 लिखा है और मैं बोलूँ बी इज लेस देन फोर, तो उसका सिग्निफिकेंस है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अगर लेकिन बी एक्स स्क्वायर के नीचे 4 लिखा है और बी लेस देन 4 दिया है, दैट डजंट मीन कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बी लेस देन 2 होना था पूरा दिया था। ओके अब इसी फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ब्रेक करके अंदर वाले पार्ट को दो टर्म्स में ब्रेक कर ले, फर्स्ट और लास्ट टर्म, क्योंकि इसको a plus n minus 1 into d लिख सकते हैं। तो n by 2 तो मैं यही लेने दे दो, a plus n minus 1 into d, this is p1 and this is p2, n by 2 times p1 plus p2, इसको language form में लिखो, number of terms by 2 into first term plus last term, लिखो इसको complete करो। ज्यादा आसान है अगर एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म मतलब ज्यादा आसान है। अब हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो वो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sum of first 20 terms of an AP, first 20 terms of an AP, 31, 27, and so on. First 20 terms. Find sum of first 20 terms of the AP, 31, 27, and that kind of dash. Por eso.
find maximum possible sum of AP. Find maximum possible sum of AP. 40, 37, and so on. Find maximum possible sum of AP. इस AP का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सम कितना हो सकता है? 40, 37 and so on. This is AP. Question is, इस AP का maximum sum कितना possible है? Thank you.
14th term है ना, तो इसके जो इधर वाला आएगा ना, that will be the 14th term, T14. बस T14 term का सम निकालना है। और उसमें भी उत्तर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n by 2 into first term plus last term। वो किस तरीके से किया है ईमानदारी से, और ये दो दो टर्म नहीं पता होगा ना वाला लास्ट का, चलो कोई बात ठीक है ना, फोर्थ टर्म में करेगा। हाँ उसके बाद अब मैंने बोला कि मैं ऐसे नहीं करता, मान लो मैंने बोला कि मैं टीएन निकाल रहा हूँ, जनरल टर्म निकाल दी है इज इक्वल टू 40 प्लस एन माइनस 1 इनटू कॉमन टर्म में माइनस 3 ये माइनस का, ठीक है। अगर मैंने इसको जीरो किया उससे जो एन निकल के आएगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे एक जरूर नहीं ना इंटीजर है, जरूर नहीं ना, इस सीरीज में कहीं ना कहीं जीरो आया और आ भी नहीं रहा, वन के पास सीधा माइनस टू पे जंप हो रहा है। जब एन निकालोगे तो क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए? रिक्वायर्ड मैक्सिमम सम इज 287 एंड करस्पॉन्डिंग एन इज इक्वल टू 14। अच्छा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सम ऑफ फर्स्ट फ्री टर्म ऑफ एन एबी इज क्यू, इफ सम ऑफ फर्स्ट p terms is q, if sum of first p term of an AB is q and sum of first q term and sum of first q term is p, पहले p terms का sum q है और पहले q terms का sum p है, तो हमें निकालना है sum of first p plus q terms, then you have to find the sum of first P plus Q terms. पहले P terms का sum is Q, next और first Q terms का sum is P. You have to tell sum of first P plus Q terms. You have to write three questions. That's it. तीन क्वेश्चन लिखना और आंसर आ जाएगा।
किताब को मेक इट फास्ट Okay.
क्या लिखा था सम ऑफ फर्स्ट पी पी टर्म इज क्यू क्यू टर्म इज पी पी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म क्यू बाय टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी and q is equal to p by 2 into 2a plus p minus 1 into that's it. मुझे निकालना क्या है sum of p plus q term that is p plus q by 2 into 2a plus p plus q minus 1 into p. तो ये निकालना है with the help of these three equations. बहुत आसान है सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को ऐसे किया आ गया चलो देख लेते सब्ट्रैक्ट करते चलो देख लेते सब्ट्रैक्ट करते ठीक है तो p माइनस q इज इक्वल टू अब देखना p q a माइनस p a मतलब क्या आ जाएगा a टाइम्स q माइनस p देखो पहला टर्म तो गायब हो गया q a माइनस p a तो a टाइम्स q माइनस p अब इधर देखना q d p d प्लस डी टाइम्स क्यू माइनस डी तो माइनस डी प्लस डी वो जीरो हो गया करेक्ट लिखा है जो भी अभी लिखा है इज इट करेक्ट गलत लिखा है क्या हाँ बाई टू भी आएगा ना अब सही लिखा है अब करेक्ट है नहीं करेक्ट करेक्ट है क्या और q d अरे इसे माइनस q d है तो p माइनस q इनटू d बाय 2 अभी बट माइनस कैलकुलेशन देखो नहीं तो मैं मिस्टेक लग रहा है डाउट लग रहा है लेकिन ये आया डिफरेंस करने के वेरीफाई करो करेक्ट लिखा है सही लिखा है अब p माइनस q हटा देता हूँ मैं p माइनस q देखा मैं हटा रहा हूँ ये गया इधर बचा माइनस वन ये गया इधर माइनस तो वन इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस ऑफ पी प्लस क्यू बाय टू इंटू डी और इधर बचा प्लस डी बाय टू करेक्ट करेक्ट ठीक है तो माइनस के अंदर देखते माइनस वन ये प्लस ये माइनस और एलसीएम ले लेते तो ये टू ए अब देखें टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ये वाला चीज माइनस टू तो समझ माइनस ऑफ p plus क्या हेलो बोल रहा है माइनस ठीक है तो आंसर इज माइनस ऑफ p plus ठीक है तो कहीं दिक्कत तीस क्वेश्चन है ऐसा तो चीज बहुत ज्यादा बड़ा बन गया प्रैक्टिस करो मैं सही से लोग का पता नहीं तो डर लग रहा है क्या होगा इसके बाद यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन मैथ्स
सुने, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ सेम एपी, पहले पी टर्म का सम इज इक्वल टू फर्स्ट क्यू टर्म का सम, देन फाइंड समेशन ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, then find summation of first p plus q terms. Sum of first p terms is equal to sum of first q terms. Like sp is equal to sq. Then you have to find s of p plus q. Sum of first p plus q terms. माइनस पी डी और क्यू डी, तो डी टाइम्स क्यू माइनस पी,
करेक्ट है यहाँ इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये टर्म आ रही है, ये जीरो आना चाहिए, इससे वही कुछ आना चाहिए, पी माइनस टू कैंसिल कर देते, पी माइनस टू, पी माइनस टू और ये माइनस का हो जाएगा। तो 2a प्लस b प्लस q माइनस 1 इनटू d लिखा है जीरो, दिस इनटू जीरो इज जीरो। ये तो क्या ठीक है, प्रोसीजरल तरीका हो गया, मतलब विदाउट दिमाग खर्च करें जैसा डाटा दिया है वैसा प्लग किया, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया। अब लॉजिकली चलते हैं, अगर किसी ने लॉजिकली सोचा होता तो उसको इतना टाइम लगता नहीं। देखो लॉजिकली सुनना क्या हो रहा है, और इस लॉजिक से इससे पहला वाला क्वेश्चन तुम्हें सोचना पड़ेगा इसके बाद। अब देखना क्या होता है, लेट्स सी, ये p1 है, ये p2 है, कहीं तो आया बीच में ऐसे p3। अच्छा उससे पहले ऐसा हो क्या रहा है, मतलब मैंने बोला पांच टर्म का सम 10 टर्म के बराबर है, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब बीच में टर्म्स घट रहे होंगे, बीच में कहीं जीरो आएगा फिर नेगेटिव से स्टार्ट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसे लिखा, लेट्स से 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। हम कैसे सी कि फर्स्ट टू टर्म का सम इस सेम एज यहां से यहां तक का सम, फर्स्ट टू टर्म का सम तो ये तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, माइनस थ्री थ्री टू माइनस टू वन माइनस वन जीरो, तो दैट मीन्स इसे ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब आगे एक और डायग्राम, एक सीधे डायग्राम जनरलाइज डायग्राम, आप देखना चाहते हैं T1, T2 and so on, let's say TP आया, फिर बढ़ता जाएगा, कहीं तो जीरो आएगा, जीरो नहीं आया, जरूर नहीं जीरो आया, वो डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस क्या है, मैं तो उसको जनरलाइज मान लेता हूँ, लेट्स से TR आया, इसके बाद लेट्स से इधर आएगा TQ, ऐसा कुछ तो चलाई करता हूँ, सुनना भी जाए। मैंने बोला कि TP तक एक मिनट के लिए मैंने माना है, ना तक का लेट्स से सम x है, ये ना y है, then this will be minus one, also इसके जो बाहर टर्म होगा t of q plus one और आखिरी में फिर जाएगी t of q plus p, this will be minus of x। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट इसके भी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट लिखा है ना, ये डाउट है इसका सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा, क्लियर है क्यों जनरल टर्म वो सीरीज की एपी की कोई भी जनरल टर्म जीरो ले लो, उसका इतना पक्का है कि पी और क्यू के बीच में डेटा में जीरो आएगा। क्लियर हुआ, अगर मान लो जीरो नहीं है तो मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे स्टार्ट करो सीरीज को, देखना माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस वन वन थ्री, इतना सीरीज लिया मैंने लेट्स, तो देखना ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स। अब मैंने बोला ये दो टर्म, मतलब अब मैं तुम्हारा वैल्यू लिख दिया था, p is equal to 2, q is equal to 6, तो p plus q कितना होगा 8, तो इसके आगे के दो टर्म कौन से हैं, यही आएंगे पॉजिटिव साइड के साथ, मतलब इसके बाद आएगी 5 और 7 एडिशन। अब उससे ज्यादा क्लियरिटी क्या और चाहिए, उसका इससे ज्यादा आप ही लिखेंगे। अब इसी कंसेप्ट से इससे पहले वाला क्वेश्चन तुम घर जाके सोचना, या फिर जब भी टाइम मिले घर पे अगर टाइम मिलता है तो वो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू कैसे आएगा विदाउट फॉर्मूला। ऐसे ये भी मान के थोड़ा आएगा वो आएगा, तुम थोड़ा दिमाग लगाना।
एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया अगर किसी को समझ है तो एग्जांपल पी इज टू इज सिक्स क्या हो गया थोड़ा लाइफ इजी हो गई
ईपी की जनरल टर्म लिखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एक साथ क्लब करके लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा फाइव और नाइन तेरह एंड सो, मैंने बोला इसका जनरल टर्म लिखो. तो एक तरीका तो क्या ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ऐसा लिख रहा, लेकिन इतना नहीं कर रहा है. अब जी वो नाइन टेन तक करते हैं, आप थोड़ा स्मार्ट करेंगे. अब क्या हमें पता है कि ए पी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फोर है ना. तो इसका जो जनरल टर्म होगा टी एन, मान लो टी एन लिख रहा हूँ, वो फोर एन टाइप होगा. अभी हमने देखा कि n का लीनियर फंक्शन होगा और जो n का कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा. अब n को 1 रखने पे 5 आना चाहिए, तो इसमें क्या ऐड करूं, प्लस 1 ये हो गया. अब वैसे तुम करते तो क्या करते, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, वही चीज आ गई. तो उतना नहीं करते, जैसे कोई भी एपी, फॉर एग्जांपल आप मान लो देख लीजिए, ले लेते मैंने लिखा 7 4 1 एंड सो ऑन, इधर देखा बाकी तो ऐसे करते हैं a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज माइनस 3, इज गेट द सेम कैंडिडेट वैल्यू a प्लस 7 10 माइनस 3. ठीक है, क्लियर हुआ? देखो ये स्टेटमेंट मैंने बोला पहले, तो ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट ऐसे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं. फॉर एन ap, फॉर एन ap, ap के लिए nth term will be linear function of n, linear function of n, n का एक linear function होगा. nth term of an AP will be a linear function of n and vice versa, and vice versa. vice versa मतलब तुम्हें समझना है, vice versa मतलब क्या होगा, that is मतलब मैं बोल रहा हूँ लिखो मत, that is कि अगर कोई series का general term linear function of n हुआ तो वो पक्का जनरल टर्म एपी का होगा, वो सी भी देती होगी. ऑल्सो इन दिस केस द कोफिशियंट ऑफ एन विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड ऑल्सो द कोफिशियंट ऑफ एन, तो लीनियर फंक्शन ऑफ एन है और एन का जो कोफिशियंट है दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. ऑल्सो द कोफिशियंट ऑफ एन विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. नाउ नोट डाउन दिस एपीज, द जनरल टर्म ऑफ एपी 5, 9, 13, 3, 4, एंड तरह कैसे लिखा, दैट यू हैव टू मेक, तुम अपने तरीके से लिखना, कैसे लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है, जैसे समझने के लिए ना, दिस शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ एन, तो एन लिखा, फिर एन का कोफिशिएंट शुड बी 4, 4 एन, फिर उससे लिखना कि क्या है, 1 रखने पे 5 आना चाहिए, तो आई शुड राइट 1, क्योंकि इसको भी ऐसा हो सकता है ना, जब हम रिवाइज करें हमें लगा हमने इस फॉर्मूले से लिखा, फिर सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, ऐसा नहीं है, हमने डायरेक्टली ये लिखा. हमने कोई भी चीज को प्रूफ करना है नहीं थी, तो वी कैन मेक सिंगल को डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉम्बिनेटर ऑफ इट्स कांस्टेंट. तो हमने जनरलाइज को कर दो, tn माइनस tn माइनस 1 इज कांस्टेंट, दिस शोस कि ये जो जनरल टर्म था वो एपी का था. tn माइनस ऑफ tn माइनस 1 इज इधर d आएगा, तो हमको डिफरेंस करोगे इधर से tn माइनस 3 प्लस n माइनस 2 इनटू d. How many big difference? Tn minus Tn minus 1. This will come out to be negative very soon. Tn minus Tn minus 1 will be D. This is the
difference of any two consecutive terms of an AP is constant, and that constant is called common difference of the AP. मैंने बोला कि हमारा सम का फॉर्मूला था 2a n times 2a plus n minus 1 into b, ठीक है, इसको ओपन किया n a plus n square d by 2 minus n d by 2. So इसको मैंने ऐसे लिखी है n square d by 2 plus n times a minus b by 2. This is my answer. इससे क्या पता चला था कि sum जो होगा n terms of an AP का that would be quadratic function of n. उसने भी थोड़ी special quadratic है. क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है क्वाड्रेटिक का इसका कांस्टेंट पार्ट है जीरो और एक और क्या नोट करेंगे कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कॉमन डिफरेंस बाय 2 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी थी विल बी क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n n का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा विद कांस्टेंट पार्ट जीरो क्वाड्रेटिक विद कांस्टेंट टर्म जीरो एंड आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर विल बी कॉमन डिफरेंस बाय 2 Also, the coefficient of n square will be common difference by 2.
ठीक है। अच्छा तो एक काम इसके आधार पर क्वेश्चन लिख लेते छोटा देखो, लेट फॉर अ सीरीज, इसके बाद ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। लेट फॉर अ सीरीज सम ऑफ, इसके बाद फिजिक्स वाला है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री था क्या काल मैथ्स से। लेट फॉर अ सीरीज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस फोर एन, एन स्क्वायर प्लस फोर एन, देन प्रूव दैट इट इज एन एपी, देन प्रूव दैट इट इज एन एपी, then prove that it is an AP. डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा थोड़ी होता है, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा उसके आधार पर प्रूफ करना होता है तो प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा ना, प्रूफ ऐसे नहीं बोले कि इट्स क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन विद कांस्टेंट पार्ट जीरो देयरफॉर इट विल बी, इट इज ओके दैट इज द स्टेटमेंट बट यू हैव टू प्रूव इट। पढ़ाया ना सबसे पहली क्लास में सम से टी एन जैसे निकालते हैं तो पक्का ही क्या होगा, अब तो सोचो तुम्हें वो भी आ जाएगा जैसे हेलो कर देखो, जब एस एन माइनस में करोगे ना तो यू सी की अभी अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला था ना कि क्वाड्रेटिक होता है उसमें कांस्टेंट पार्ट जीरो होता है, तो अभी तुम देखोगे कि अगर मान लो मैं एन को एन माइनस वन या किसी से रिप्लेस कर रहा हूँ तो एन स्क्वायर गायब हो जाएगा क्योंकि सेपरेट करोगे ना, पक्का पक्का लीनियर फंक्शन ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है ना। और लीनियर की बात में उधर रुकना नहीं, अगर मान लो प्रूफ आता है तो फिर उसके बाद क्या करोगे, टी एन माइनस टी एन माइनस वो प्रूफ करने के बाद स्टेटमेंट दोगे कि सिंस डिफरेंस ऑफ, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन एपी का ये नहीं है कि जनरल टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ एन होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एपी सब कोई भी दो पॉजिटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस इज कॉमन है, तो पहले तो मैं एस एन माइनस एस एन माइनस वन निकाल के टी एन लाना पड़ेगा लीनियर फंक्शन ऑफ एन, उसके बाद में टी एन माइनस वन दैट विल कम आउट टू बी कॉन्स्टेंट, और वो अभी डायरेक्टली बोल सकते हैं वो कॉन्स्टेंट क्या आने वाला है, टू आया ना अभी देखा था ना अपन जनरल क्वाड्रेटिक में एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो कॉमन डिफरेंस बाय 2 इज 1 दैट इज कॉमन डिफरेंस शुड बी 2, करो पहले तो टी एन निकालो, अब उल्टा भी जा सकते हैं देखो अपन तुम्हारे को तरीके दे, एक सेकंड सुनो, एक तरीका तो अपन टी एन ऐसे निकाल दिया, अब तुम्हारे ऊपर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, अब मुझे इसका कॉमन डिफरेंस पता है कितना बोले टू टू बोले ना तो पक्का है कि जनरल टर्म होगा वो टू मेन टाइम होगा, अच्छा वन करने पे क्या आना चाहिए एक्स वन होगा फाइव तो प्लस थ्री, ये डायरेक्टली समझ में आया कैसे कैसे घूम के आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज व्हाट टी टी एक्स वन इज सिंपली टी वन एंड सिंस कॉमन डिफरेंस बाय टू इज वन बट कॉमन डिफरेंस इज टू तो टू डी प्लस समथिंग सम समथिंग क्या होना चाहिए वो कैसे पता करेंगे, वन रखने पे फाइव बनना चाहिए तो टू बन रहा है प्लस टू, अब टी एन माइनस वन टू बी फाइव ऑफ एन माइनस वन प्लस हाँ इफ यू डिफरेंस करोगे तो टू आएगा, इतना पढ़ो अच्छे से जितना पढ़ाया अभी क्लास में रिकॉल करना है, इसके बाद 10 मिनट पढ़ना है,
ठीक है, वो छोड़ो के आता हूँ 5 मिनट में। डिस्कस करना आप अपने पर्सनल। The last term is 45. T1 is 5 and last term is 45. And the sum is equal to 400. Find number of terms and common difference. Sum is 400, yeah? 16 term. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। The first term of an AP is 5. The last term is 45. T1 is 5. T last is equal to 45. And sum is equal to 400. Then your हाथों में बोला था, आइए क्या बोल रहे थे? 16. Common difference will be? Next, let an AP is -297, comma, ठीक है। अपने इसमें फर्स्ट पार्ट लिखो,
Find the value of n such that Sn is least. Find the value of n. Find n such that Sn is least. इसमें क्या हो रहा है? टर्म्स बढ़ रही है. अच्छा आप देखते हैं कौन करता है इसके इजी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट.
terms should be taken, how many terms should be taken such that sum of terms is 18, such that sum of terms should be 18. How many terms should be taken? Kitne term liye jaye so that sum is 18. I aa sakta hai koi dikkat nahi hai. Theek hai. Aa sakta hai. Karo karo karo. Find aise kitne terms ho ki sum jo hai wo 18 aa jaye, 18. जैसे एक टर्म बढ़ा रहा है, तो एकदम क्रॉस कर जंप मार रहा है। अब इसको इक्वेशन से समझ।
एक्सपेक्ट माइनस 199 एंड इक्वल्स टू 12 क्लियर पक्का आपको सुनना देखो जाता है सही वेरीफाई हो जाएगा इसको मैं कह सकता हूं एन इनटू एन माइनस 199 अब एन को 199 से बड़ा होना पड़ेगा जब भी दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे अब जैसे एन एन 199 से बड़ा होगा तो ये वाला ब्रैकेट तो 1 से बड़ा हो जाएगा और ये 199 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट 12 आ सकता है किसी इंटीजर के लिए सो नो सच वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर रूट 2 रुपीज स्क्वायर क्या जैसे मान लो 24 का निकालना है
बात चल रही है स्क्वायर कोई भी एग्जांपल लेना ना बताइए मैं 24 लिया हूं minus
should exceed 120. आपको थोड़ा दिमाग लगाओ ना यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सी इस पर एग्जांपल लाइन को बांध रहा था तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स नहीं टू रखेंगे तो नहीं थ्री रखेंगे नहीं थोड़ा ऐसे बढ़ाओ वैल्यू एंड देन सी की क्या रूम है इट शुड सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी देखो नेक्स्ट
दिल्ली प्लग कर दिए तो मैं जनरल फॉर्मूले में एनएसएम वाले फॉर्मूले और सम वाले फॉर्मूले पहली इक्वेशन क्या है ना टीएम थोड़ा होता है ए मान लिया सीरीज का फर्स्ट टर्म दे ए प्लस एम माइनस वन इनटू डी बेसिकली बनता है और ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इनटू डी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ठीक है ना इससे क्या आएगा डी आ जाएगा क्योंकि डी निकल गया है दोबारा से रख के ये आ जाएगा ये वो डी आ रहा है फिर हम निकाल सकते हैं तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस टू एम डी माइनस एन डी एम इनटू एम माइनस एन माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन तो ये कैंसिल हो जाएगा एम माइनस एन बाय एन दिस इज डी एम माइनस एन कैंसिल हो गया ये लेफ्ट क्रॉस में टी इज इक्वल टू 1 बाय एन इनटू दिस इज प्लस एल यू दिस कोई वैल्यू है किसी भी एक क्वेश्चन में रख के यू विल गेट ए का वैल्यू एंड ए विल कम आउट होगी ए आता है 1 अपॉन एम एनी आता है कोई भी एक क्वेश्चन में रखना ए आ जाएगा 1 अपॉन एम एनी अब सम ऑफ एम एन टर्म दिस एम एन बाय 2 इनटू 2 ए प्लस एम एन माइनस 1 इनटू डी ए और डी का वैल्यू ये उठा के उधर रखोगे सिंपलीफाई करोगे यू गेट व्हाट दे हैव टू डू Next, the sum of n terms of 2ab, the sum of n terms of 2ab, 2ab is here, yeah. The sum of n terms of 2abs are in the ratio 7n plus 1, 7n plus 1 is 2, 4n plus 27, 4n plus 27. दो एटीज है 81 और 82 उन दोनों के एन टर्म्स के सम का रेशियो इज दिस देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म देन फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म ये एक अच्छा क्वेश्चन है ठीक क्वेश्चन है दो एंटिटीज को
उसमें क्या दिया है क्वेश्चन पहले समझो।
समझ में आता क्लियर है? आगे बढ़े, आंसर आंसर है इसका 148 अपॉन 111 मतलब 4/3। ठीक है, बहुत से बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, ऑप्शन में 4/3 दिया होता है, नन ऑफ दीज दिया होता है, तो वो नन ऑफ दीज लगाते हैं। 148 अपॉन 111 इज बेसिकली 4/3। आंसर आने के बाद बहुत से लोग गलती करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। किसी का आएगा 4/3 नहीं ना, तो सोचा भी नहीं होगा कि ये कट रहे हैं, नहीं सोचते। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था 148 अपॉन 111 आता है और नन ऑफ दीज दिया होता है, ये नहीं दिया होता, 4/3 दिया होता है ऑप्शन में, तो हम क्या पुट करते हैं? नन ऑफ दीज, फिर आंसर शुड बी 4/3। ये बहुत अच्छी चीज है वैसे, अगर है बहुत सिली चीज लेकिन है, बहुत बहुत से लोग गलती करें, 99% बच्चे लोग गलती करते हैं, 99 इवन मुझे भी जल्दी जल्दी में दिया जाएगा ना, तो मैं नन ऑफ दीज लगाऊंगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है, नहीं दिमाग में आता कि 148 111 कैंसिल। और बाल तो आना चाहिए क्योंकि 3 का दिख रहा है ना, अच्छा सॉरी 3 का भी नहीं हो रहा, नहीं फिर नहीं जमता वो, इतना बड़ा नंबर जो है, तो ये ट्रैप करने के क्वेश्चन है, दिस इज सच ए थिंग टू ट्रैप द स्टूडेंट्स। आज के लिए काफी है, कितना और पढ़ना और पढ़ना है? मैं बोलूँ पढ़ते लिखो, नहीं नोट लिखो, टू शो दैट नोट कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भी एकदम एब्जॉर्ब कर होते हैं, डाइजेस्ट मान लो मान लेते हैं पूरा पढ़ा, कल जीपी स्टार्ट कर दी परसों, एचपी हर सौ बोलूँ चैप्टर कर रहा हूँ, तो क्या होगा? देखो, to show that three numbers A, B, C are in AP, अगर मुझे मान लो प्रूव करना है या शो करना है कि two numbers are in AP, then we can equivalently show that, to show that three numbers A, B, C are in AP, we can equivalently show that, इसको ऐसे लिख सकते हैं B minus A is equal to C minus, this is one of the way, इसी तरह से तो ऐसे लिख सकते हैं B minus A minus of c minus a is equal to 0 and the last but not least 2b is equal to 8 plus c, all three mean same thing, different terms ke andar rakhte hain, to mujhe prove karna hai three numbers ap pe, to main aise do aisa show kar do, to that proves ki these two three numbers are same, ya fir aise show kar do, ya fir aise show kar do, to show that three numbers ap c are in ap, we can equivalently prove this things. Next, third one.
हमने डी होगी तो इसको कैसे लिखेंगे इनका नंबर इनका कांस्टेंट नंबर इज इन लोग का पहले प्रिंट कर लेते हैं अगर मैं कहता हूं इंग्लिश में कि इफ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू एवरी टर्म ऑफ एन एबी द रिजल्टिंग सीरीज विल आल्सो बी एन एबी विद द सेम कॉमन डिफरेंस देखो Capital D. Some
plus b d. This is written as a plus b minus c d. Or a plus 5b a minus. सिनेमा वाले केस की बात कर रहा हूं।
क्योंकि जब मैंने नंबर एज्यूम किए तो मैंने उसका एचपी का कॉमन डिफरेंस 2d माना है, तो आई शुड गिव आंसर 2d नॉट डी। बहुत से लोग गलती करते हैं, आंसर डी वाला भी होता है, डी वाला टिक करते हैं, एक्चुअली आंसर वाला आंसर शुड 2d, कॉमन डिफरेंस इज 2d। ये नोट करके लिख लेना, इसको आता है वो भी लिख लेना। सभी कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली तो सभी कह रहे हैं।
क्वालिटी रूल एंड ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अब इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, और जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, फिजिक्स का डाउट सेशन है ना आज, पूछ सकता है। करना है तो डाउट है, यू कैन कम बट आफ्टर 10 मिनट्स।